नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड आरआरबी में पूछे गए कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आरआरबी में पूछे गए नंबर सिस्टम के से कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94, ठीक है। तो देखिए, 106 106 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6, 94 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 6, यानी कि ये हो गया 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 106 इंटू 106 यानी कि 106 का होल स्क्वायर माइनस 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 94 गुना 94, 94 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab, 4 यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 100, बी कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना हो गया मेरा 2400, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो गया 2400, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा नंबर है जो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि इवन प्लेस में जो नंबर है उसको ऐड करेंगे सबसे पहले और माइनस कर देंगे जो ऑड प्लेस पे जो नंबर है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, 3, 6 और 1, तो जोड़ देते हैं सबको, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 1 10, ठीक है। 10 माइनस 2 और 5 7, 7 4 11, कितना आ रहा है माइनस 1, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं, 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, माइनस 5 और 2 7 और यहाँ पे 4, 7 4 11, आ रहा है मेरा 1, ये भी नहीं होगा। थर्ड में आते हैं, देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 4 11, ठीक है। 5 3 8 और 2 11, आ रहा है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ 11 में डिविजिबल होने के लिए क्या है, और सम ऑफ इवन प्लेस में जो मेरा नंबर है, ठीक है, उसका सम माइनस ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका सम अगर करने पे 0 या 11 आता है तो ही हम लोग कह सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 0 आ जा रहा है, यानी कि ये डिविजिबल होगा। आंसर मेरा क्या होगा, सी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, देखिए आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 40 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो एक्स है मेरा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ अ नंबर में से 50 घटाया जा रहा है, तो यहाँ 2/3 इसका ले लेते हैं, 2/3 में से कितना घटाया जा रहा है, 50 घटाया जा रहा है। ये कितने के बराबर है, 40 प्लस 1/4 ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ 40 प्लस 1/4 यानी कि एक्स बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पे देखिए, 2/3 x माइनस एक्स बाई 4, यहाँ पे 40 प्लस 50, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 और 4 का 12 हो गया मेरा, तो 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, माइनस 3x हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो गया 90, यहाँ पे मेरा कितना हो जा रहा है 5x
बाई 12 इक्वल टू 90। तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा मेरा कितना बार में, 18 बार में, यानी कि x का मेरा वैल्यू कितना आएगा, 18 गुने में 12। तो 18 और 12 कितना हो जाए, 18 गुने 12 कितना आ जा रहा मेरा, 216। तो आंसर हो गया मेरा 216, यानी कि बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 264। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिलेशन मेरा बन रहा है फर्स्ट और फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर को कुछ मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं फर्स्ट नंबर मेरा है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। ठीक है, एक्स जो है वो क्या हो रहा है, ट्वाइस सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड मेरा कितना हो जाएगा, सेकेंड मेरा कितना हो जाएगा, सेकेंड मेरा होगा, सेकेंड जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। ठीक, और फिर बोल रहा है कि थर्ड इज वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट। तो जो थर्ड है वो कितना है, वन थर्ड है, वन थर्ड मतलब एक्स बाई थ्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 264। तो तीनों का सम करने पे मेरा कितना आता है, 264 आ रहा है, तो सेकेंड नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सबको सम कर देते हैं, तो एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 264। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे मेरा कितना आ जा रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा 2x। इक्वल टू मेरा आ जा रहा है 264। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 9 और 2 11, तो 11 इससे कट जाएगा, देखिए 11 बाई 6 इक्वल टू 264। ठीक है, तो यहाँ 11 से देखिए कट जा रहा है, ये दो बार में, ठीक है दो बार में, ये चार बार में। तो x का मेरा वैल्यू कितना आ जा रहा है, x इक्वल टू आ जा रहा है 24 गुना 6 मतलब 144। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर कितना है, x बाई टू है, तो 144 का मेरा आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 72। तो आंसर हो गया मेरा 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 386। इफ़ वन नंबर इज 5 देन फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर मान लेते हैं x मेरा। ठीक है, तो x, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 386। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 386 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 386 माइनस 25, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 6 ये 3 एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा, रूट ओवर 361 यानी कि 90। ऑप्शन मेरा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 458926। आप लोगों के जैसा कि पता है कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो खुद होता है, तो यहाँ 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, 8। हम लोगों को कोई भी नंबर देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे किसी भी नंबर का पूछा जाए तो उसका वो नंबर खुद होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 217 गुने 217 प्लस 183 गुने 183। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 217 को लिख सकते हैं हम लोग 200 प्लस 17। ठीक है दोस्तों, और 183 को लिख सकते हैं 200 माइनस 17। ठीक है, तो ये देखिए 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 217 का स्क्वायर यानी कि 217 को लिख सकते हैं 200 प्लस 17 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 183 हो जाएगा मेरा 200 माइनस 17 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये चेंज हो गया मेरा, इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरा कितना है 200, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 × 200 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये 17, 17 का मेरा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 8, 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ 17 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 8, 9। ठीक है, दोनों को जोड़ के देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 2, 8, 9 गुने में 2। तो यहाँ 40 2, 8, 9 को गुने में 2 करके देखते हैं, तो 9 × 2 = 18 हो गया, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 17 हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी में मेरा बच गया 1, 2 × 2 = 4, 1, 5, यहाँ 0, और यहाँ पे अगर कटिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8, 0, 5, 7, 8, 8, 0, 5, 7, 8 ऑप्शन मेरा होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1 व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 से -1 घटा रहे हैं, +1 में क्या कर रहे हैं, -1 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 मेरा क्या आ जाएगा, 2, आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लिखा हुआ है कि अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो मेरा देखिए, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। तो यहाँ डिवाइजर मेरा क्या हो गया, 899। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हो गया मेरा 63। ठीक है, अब मेरा पूछ रहा है क्या कि वो नंबर को अगर 29 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो आप कुछ कुछ मत कीजिए, इसको 29 बेस पे तोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये 29 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो नंबर 899 है, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 31 × 29 × क्वेश्चन प्लस, इसको देखिए 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 × 2 + 5। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सब सब क्या हो रहा है, 29 से डिवाइड हो जा रहा है, ये पूरा नंबर 29 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी पूरा नंबर 29 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो 5 है ये मेरा 29 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये मेरा जो 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 7 to the power 105। आप लोग को जैसा पता है कि 7 का जो पावर हम लोग जब करते हैं तो उसका जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हर एक 4 इंटरवल पे वो क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना मेरा पावर दिया हुआ है उसको पहले 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से भाग करने पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2, ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, 2, 5, यानी कि ये हो जा रहा है 6, एक बच जाएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, एक बच जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर एक आने पर मेरा कितना आता है यूनिट डिजिट पे, 7 के 7 का यूनिट डिजिट पे कितना आता है, रिमाइंडर एक आने पे मेरा 7 आता है, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।